टमाटर जो है पहले 40 रुपए था, 60 रुपए। मूली के रेट बढ़ गए, लौकी के रेट बढ़ गए, तोरी के रेट बढ़ गए। बैंगन उंगन जैसे 20 रुपए किलो थे, इस समय 40 रुपए, 50 रुपए किलो सब हो गए हैं। उधर और महंगाई तमाम चीजें थी है, और जो बेसिक चीजें हैं, बेसिक नीड्स भी अगर वो महंगी हो जाएंगी तो सारा ही बजट गड़बड़ा जाएगा। अदरक ले लो, लहसुन ले लो, कोई भी चीज सस्ती नहीं है, सब चीज के महंगे रेट है। काफी महंगी हो गई है। पहले टमाटर 20-25 रुपए मिल रहा था, अब इस समय 50-60 रुपए किलो मिल रहा है। और बैंगन उंगन जैसे 20 रुपए किलो थे, इस समय 40 रुपए, 50 रुपए किलो सब हो गए हैं। धीरे धीरे सब्जियों के दाम सब बढ़ते जा रहे हैं। और ले देखे सब बारिश की वजह से इस बार मौसम बहुत अच्छे से मतलब फर्क मार रहा है, तो इसलिए सब्जियों के दाम बढ़ते जा रहे हैं काफी। हाँ, भिंडी करीब 20 रुपए किलो थी, अब 30 रुपए में बिक रही है। टमाटर जो है पहले 40 रुपए था, 60 रुपए है। पहली बात तो जब भी बरसातें आती हैं सब्जियों में कमी आ जाती है, सब्जी बरसात की वजह से सब्जी आधी से ज़्यादा रास्ते में ख़राब हो जाती है, कुछ खेतों में ख़राब हो जाती है, जिस वजह से सब्जी कम हो जाती है और उसी वजह से रेट बढ़ जाते हैं। अब मान लो टमाटर को ही ले लो, बेंगलोर से टमाटर आता है, बरसात का भीगा वहाँ पे है, यहाँ आधा पहुँचता है, मंडी में 50-55 रुपये किलो बिक रहा है वो, बाकी टमाटर भी 40-45-35 रुपये किलो बिक रहे हैं टमाटर। तो जब तक किसान की नहीं बढ़े तो किसान अपनी जगह रोता है, ग्राहक को महंगा मिले तो ग्राहक अपनी जगह रोता है, इसमें कुदरत का मारा है और कोई वजह नहीं है। पहले सब्जी बारिश से पहले मंदी थी, अब महंगी है जी, बारिश के कारण महंगी हो चुकी है। कौन कौन सी सब्जी महंगी है? सब्जी लगभग सारी महंगी है, 100 की, 80 की, 50 रुपए किलो से कोई सब्जी मंदी नहीं है। लगभग जैसे भिंडी, तोरी, सब चीज मंदी नहीं है। तोरी महंगी है, 60 रुपए किलो तोरी है। पहले क्या भाव थी? पहले तोरी बिकती थी 15 रुपए किलो, 20 रुपए किलो। और की सब्जियों पर सर फर्क? सारी सब्जियों में सारी सब्जी महंगी है। मटर पे पड़ा है, गोभी पे पड़ा है, शिमला मिर्च पे पड़ा है, हरी मिर्च पे पड़ा है, टमाटर पे पड़ा है, प्याज पे पड़ा है, तोरी पे पड़ा है, किस पे नहीं पड़ा है? पहले क्या रेट थी? पहले आधे रेट, अब डबल है, बिल्कुल डबल है। कारण क्या है? महंगी तो ये मान लो बारिश है, मान लो त्योहार, मेन त्योहारों की वजह। पहले भाव थे 200 रुपए धड़ी, 220 रुपए धड़ी, और अब है 280 रुपए धड़ी और 270 रुपए धड़ी और 200 रुपए धड़ी हाइब्रिड। आज क्या वजह है? ये बारिश की वजह है जी, दागी बहुत आ रहा है टमाटर जी। देखिए पहले टमाटर 40 रुपए किलो मिल रहा था, जो अब 60 रुपए किलो मिल रहा है, तो यानी 50% अमाउंट जो है सब सब्जियों में बढ़ चुका है। अब सब्जियों के रेट बढ़ जाएंगे तो सारा हमारे गृहणियों का बजट सारा गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि हर चीज पे जब पैसा यहाँ ज्यादा सब्जी देना पड़ता है, उधर और महंगाई तमाम चीजें थी है, और जो बेसिक चीजें हैं, बेसिक नीड्स भी अगर वो महंगी हो जाएंगी तो सारा ही बजट गड़बड़ा जाएगा। पहले जैसे कोई भिंडी 30 रुपए थी, अब 50 रुपए बोल रहे हैं, समझे नहीं? पहले गोभी 40 हो गई थी, अब 70 बोल रहे हैं। हैं, आलू मतलब ये है कि कोई 90 रुपए धड़ी था, 110-120 बोल रहे हैं। मूली के रेट बढ़ गए, लौकी के रेट बढ़ गए, तोरी के रेट बढ़ गए, टमाटर सब दाम हो गया। Thank you.
भाई साहब बरसात की मेहरबानी है, बरसात इतना हुआ है कि लोगों की फसलें बर्बाद हो चुकी है, इसलिए सब्जी का थोड़ा महंगा है। भाई जी ग्राहक भी नहीं है, आगे बिक्री भी नहीं है, माल इतने आ नहीं रहे मंडी के अंदर, पीछे से भी नहीं आ रहे, और महंगाई इस कदर है कि मध्यम किस्म का आदमी खरीद भी नहीं सकता सब्जी। रेट तो करीब करीब सारी सब्जियों के बढ़े हुए हैं, जैसे कि सीताफल ले लो, खीरा ले लो, गोभी ले लो, और अदरक ले लो, लहसुन ले लो, कोई भी चीज़ सस्ती नहीं है, सब चीज़ के महंगे रेट है। सीजनल महंगाई होती है, बरसात होगी ना पीछे, तो बरसात से फसलें खराब हो गई बहुत सारी, जो फसल खराब होगी तो महंगाई तो आएगी आएगी। फिर दिल्ली के आसपास तो जमीन ही खत्म हो गई है, सारी बाहर से आती है सब्जियाँ दिल्ली से, तो किराए भाड़े बढ़ जाते हैं, तो महंगाई तो आएगी आएगी। रेट घिये के बढ़े हैं, गोभी के बढ़ गए हैं, मटर के बढ़े हुए हैं, बीन के बढ़े हुए हैं, बाकी तो नॉर्मल ही है।